SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश कृपाणी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारी क्लास में BCom पार्ट वन के ओवर हेड कंट्रोल के हम दो लेक्चर्स पहले देख चुके हैं। आपने इसमें स्टडीज़ की थी कि ओवर हेड कंट्रोल किस तरह से होगा। आज हम इसमें ले रहे हैं एलोकेशन ऑफ ओवर हेड्स। ओवर हेड्स में बच्चों तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर मेन क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ओवरहेड के जो है एलोकेशन किस तरह से किया जाएगा, एलोकेशन क्या होता है ये हमें समझना होगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हम कॉस्ट सेंटर्स डिसाइड करते हैं, कॉस्ट यूनिट्स होती है, तो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो उन कॉस्ट सेंटर्स पे या डिफरेंट टाइप ऑफ की आपकी आर्टिकल्स हो सकती है जिन्हें कॉस्ट सेंटर्स कहा जा सकता है। तो उनकी जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनके आपने जो डिपार्टमेंट्स कॉस्ट सेंटर्स डिसाइड किए हैं उन पर अलग अलग उनकी कॉस्ट को निकालना। अब एलोकेशन का मतलब है कि अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपकी ये खर्चा डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है, मिस्टर डिपार्टमेंट ए से या डिपार्टमेंट बी से या डिपार्टमेंट सी है से है, तो वो एलोकेशन होगा जिसमें कि आप उसको जो है खर्चा आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एक्चुअल आपको डिवाइडेड है और उसको आपको जो है ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करना है उस डिपार्टमेंट पर, ठीक है। तो असाइनमेंट आप उस पर उस खर्चे को कर देंगे। तो इस तरह से एक सिंगल डिपार्टमेंट पे भी खर्चा जताना हो सकता है और या फिर जो है उसको डिवाइड करके भी जताना सकता है। तो जैसे आपके पास में मान लीजिए कोई खर्चा है तो आपको उसको डिफरेंट मशीन्स पे रिपेयर का खर्चा हुआ, मेंटेनेंस का, मशीन का, तो आपको उसको जो है डिफरेंट मशीन्स पे डालना है, चार्ज करना है। तो आपको सब डिविजन्स में हम डिवाइड कर लेते हैं उसको इंडस्ट्री को और वहाँ पर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चार्ज किया जाएगा। लेकिन एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास वो खर्चा अलग अलग आपको डिवाइडेड दे रखा है। जैसे कि आपको दे रखा है कि ए मशीन जे पे 4,000 लग रहा है, बी मशीन जे पे 3,000 लग रहा है, सी मशीन जे पे 2,000 लग रहा है, तो ये तीनों पे डिवाइडेड है। लेकिन अगर आपको डिवाइडेड नहीं दे रखा है तो फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। दैट मीन्स एलोकेशन का मतलब है कि हमें जो है उसको खर्चे को उस सब डिविजन पे डालना है। और इसको ये हमें किसमें हेल्प करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को डिसाइड कर सकते हैं और हमारी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने में ये आवश्यक हेल्प करेगा हमें। और ये हमारी बिजनेस की, हमारे डिपार्टमेंट्स की, कॉस्ट सेंटर्स की, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स की इफेक्टिवनेस बताएगा आपको, क्योंकि आपके पास ए बी सी तीन डिपार्टमेंट है तो उनके ओवरहेड्स कितने हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे जा रहा है, कौन सा लॉस पे जा रहा है, तो उसके लिए आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एलोकेशन प्रोसेस हेल्प करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए प्राइसिंग, आप कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में आपको स्टैंड करना है, आपकी वस्तु की रेट बढ़ जाती है तो आपको उसकी रेट को नॉर्मल रखने के लिए जो है कॉम्पिटिशन के मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको उसकी एक्चुअल सही प्राइस पता लगना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से वेस्टेज को रोकने के लिए भी जो है ये कंट्रोल करने के लिए हमें ये काफ़ी हेल्प करता है। तो फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वह अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होती है और मेंटेन फ्लो फ्रॉम मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल को अलग अलग या फिनिश गुड्स तक के प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें जो है अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करना पड़ता है। स्मूथ फ्लो प्रोडक्शन के लिए हमें वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया टोटल कॉस्ट ये, जैसे आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो अभी तक आप जो बनाते आए थे वो आपको टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट बता रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि मिस्टर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी में तीनों में क्या क्या हुआ। तो ये बहुत हमें कॉस्टिंग हेल्प कर रहा है कि हम ये जान पा रहे हैं कि हमारे ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स या तीन डिपार्टमेंट्स उनमें तीनों के जो है लाभ या हानि क्या रहते हैं। तो उनके लिए हमें डिविजन्स करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये डिविज़न एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमारे जो है खर्चों को कंट्रोल होने से ड्यूअल कंट्रोल करती है और जो है खर्चों को कंट्रोल करने में हमें मदद करती है। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात चल रही है, कॉस्टिंग बच्चों कहाँ पर हेल्पफुल होती है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आप तीन तरह से डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स एंड पार्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो हैं जो प्योरली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उसको फिनिश गुड्स तक पहुँचाना होता है, और नंबर ऑफ सच डिपार्टमेंट्स आपके जो है इसमें होते हैं जो कि आपको जैसे आप कहेंगे स्टील रोलिंग मिल है, हॉट मिल है, कोल्ड मिल है, पिकलिंग शॉप है ना, अमीलिंग शॉप है, हार्डनिंग शॉप है, पॉलिशिंग है, ग्राइंडिंग है, तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आपके हो सकते हैं। आप उन्हें इतने अगर मुश्किल नाम नहीं दे तो हम अपनी कैलकुलेशन कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए उन्हें ए बी सी डी आदि नाम भी दे सकते हैं।
तो ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। सर्विस डिपार्टमेंट्स वो जो कि ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स है, यानी जो आपको सहायक है प्रोडक्शन करने में, जो आपको स्मूथ प्रोडक्शन करने के लिए उसमें हेल्पफुल होते हैं, उनको हम सर्विस डिपार्टमेंट्स कहेंगे। जो कि आपके कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जिनकी रोल होता है कि आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचाते हैं और आपकी वस्तु तैयार होती है। तो डिपार्टमेंट्स ये कौन से होंगे बच्चों, जो कि आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन में, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो सकता है, रिपेयर डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, पैकिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, जो आपको ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको इस काम में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है डिफरेंट द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉमन टू मोस्ट कॉन्सर्न्स आर स्टोर, कॉस्ट ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्लानिंग प्रोग्रेस, टूल रूम हो सकता है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मशीन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, ये डिफरेंट टाइप के आप जो है सर्विस डिपार्टमेंट बना सकते हैं। वापस मैं आपको वही बताऊंगी कि अगर इतने मुश्किल नाम नहीं है तो क्वेश्चन में आपको ए बी सी दे देता है, एक्स वाई जेड दे देता है, और इस तरह से हम डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या है। प्रोडक्शन जो कि प्योरली प्रोडक्शन मेन प्रोडक्शन में लगे हुए रॉ मटेरियल से फिनिशिंग में चेंज कर रहे हैं, और सर्विस जो कि उन्हें इस काम में हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, जो हेल्प कर रहे हैं। और पार्टली प्रोडक्शन वाले कौन से होंगे, जो कि नॉर्मली सर्विस डिपार्टमेंट से, लेकिन कई बार क्या होता है वो प्रोडक्शन वाला वर्क भी कर लेते हैं। जैसे आपका कारपेंट्री शॉप है लेकिन उसको मेनली तो रिपेयर और ये सब काम करना है, लेकिन कई बार उसे कहा जाता है छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग भी कर दो आप, तो उनसे फैक्चर फिटिंग्स भी आप बनवा लेते हैं, बॉक्स बनवा रहे हैं या कुछ पैकिंग करवा रहे हैं, तो ये काम भी वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हमने आज के लेक्चर में पढ़े, और डिफरेंट एलोकेशन क्या होता है उसको हमने समझा। अगले लेक्चर्स में हम अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। धन्यवाद।